लगातार तीसरे दिन विधानसभा परिसर में राजद की जो विधायक हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं। राजद के मुख्य प्रवक्ता विधायक के मुख्य सचेतक ललित यादव, इनके नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। ललित यादव जी, आप लोग कल कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिए थे, इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं है? नहीं बदलाव है तो हम लोग अनिश्चितकालीन इसी तरह से आंदोलन करेंगे और सदन से सड़क तक हम लोग राज्यपाल महोदय का भी ज्ञापन दिए। हम लोग अपनी भावना से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन अपने भावना से अवगत करा दिया है। केंद्र सरकार को हम लोग राज्यपाल के माध्यम से हम लोग सिर्फ दिए हैं ज्ञापन और सदन में भी हम लोग कार्य स्थगन लाए हैं, क्योंकि देश के युवा का भविष्य का सवाल है। देश का युवा बचेगा तभी देश बचेगा। सर, केंद्र सरकार तो कहती है कि युवाओं के हित के लिए विपक्षी दल उनको गुमराह कर रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार देश को बेचना चाहती है, ठीके पर बहाली करके देश को धकेल रही है। सेना जैसे महत्वपूर्ण संस्था को, जिस तरह 4 साल तक युवक यदि उस सेना में रहेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस मुद्दा को अंतिम जमा तक पहुंचाएंगे। क्या सदन में इस पर आप लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, नीतीश जी इस मुद्दे पर चर्चा करें? हम लोग सदन में चाहते हैं चर्चा हो और मुख्यमंत्री मुंह खोले, मुख्यमंत्री बोले उनकी क्या भावना है युवा के साथ। मुख्यमंत्री जी बोले, खिलवाड़ मत करें मुख्यमंत्री जी, मुंह खोले मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे, चुप हैं। हम लोग मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आज सदन में हम लोग मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री जी मुंह खोलिए कम से कम। जब तक चर्चा नहीं होगी आप लोग सदन नहीं चलेंगे? निश्चित रूप से हम लोग अभी तक निर्णय जो लिए हैं, जब तक इस पर चर्चा नहीं होगा, देश के सवाल है, देश के युवा का सवाल है। देश में युवा यदि नहीं रहेगा, देश में युवा के साथ न्याय नहीं होगा तो देश का विकास कभी नहीं करेगा। सदन नहीं चलेगा तो जनता के हित वाले बिल तो पारित नहीं होंगे, तो जनता का भी तो नुकसान है। निश्चित रूप से जनता के बिल के हित का भी ध्यान में है, उससे बड़ा ये देश के रक्षा का सवाल है। एक आखिरी सवाल, अगर जरूरत पड़ी तो क्या दिल्ली में भी आपका डेलीगेशन जाकर राष्ट्रपति से मिलेगा? निश्चित रूप से यदि हम सड़क से सदन तक, पटना से दिल्ली तक इस मामले को उठाएंगे। हम लोग राज्यपाल को भी ज्ञापन दिए थे, हम लोग सदन में कार्य स्थगन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। जब तक नहीं ये मांग हम लोगों का, राष्ट्रपति तक भी हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए, राजद के तरफ से यहाँ बड़ा बयान दिया गया है कि हम लोग का जो संघर्ष है इस मुद्दे पे सड़क से लेके सदन तक जारी रहेगा, केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेना होगा। मुख्य सचेतक के ललित यादव ये कह रहे हैं और साफ तौर से कहें कि राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपा, आरजेडी के लोगों ने यहाँ पे सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जाकर अपने डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि केंद्र सरकार जो है इस योजना को तुरंत वापस ले, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके हित के लिए नहीं है। ये राजद दावा कर रही है, विधानसभा में सदन के अंदर भी और बाहर परिसर में भी अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पे सरकार को घेर रहा है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।